गया, सामान लिया, दवाई ली, घर जाए, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन सब के आप बता देना, जितने भी करणपुर में अपना हॉस्पिटल है, आपकी मोहर लगा दो, सब मान्य भैया, सुन लो सब। अगर संबंधित डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये मेरे हॉस्पिटल का है, जाने दो। पशु के लिए कोई चारा डालने जा रहा है, मान लो मेरे घर है लेकिन मेरा पास में खेत है, तो पशु भी तो डालने जाएगा भाई, पशु को भूखा थोड़ा ना मरेगा, तो उसको चारा डालने जा रहा है, तो एक आदमी जाने दो, तो दस थोड़े ना जा रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस आपको वहां अप्लाई करना है यार, कि ये तो व्यवहारिक बात है। हमें लोगों के बीच में दूरी, मास्क लगाया हुआ हो और अपने हाथ बार बार धोते रहे, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, आपका कहना बार बार नहीं मान रहा है, कोई बाजार में अनावश्यक घूम रहे हैं, छोरे चपाटे घूम रहे हैं और घूम रहे हैं, या बच्चों को लेके घूम रहे हैं, उनको हिदायत कर दें कि आप बच्चों को लेके मार्केट में नहीं आएंगे, बच्चों का कोई काम नहीं। हॉस्पिटल ले जा रहा है ठीक है, ले जा सकता है, कोई बुजुर्ग को ले जा रहा है तो ले जाए। कई बार आ रहा है कि साहब वो बुजुर्ग को दिखाना है, वहां जाना है, तो आप लोग जाने देना भाई, मानवता है, अपन भी बीमार होंगे तो हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। तो ये कॉमन छोटी छोटी बातें हैं जो हर आदमी सोच सकता है, अपने कारण से ऐसा कोई नहीं हो कि लोगों के गलत प्रभाव जाए कि साहब इस तरह से पुलिस कर रही है, ठीक है ना। अपना है उनको समझाइश करना है, 10 बार करें 20 बार करें, लोग समझेंगे, समझने भी लग गए। ऐसा नहीं है कि हर एक बार आ रहा है, अब लोग समझने भी लग गए, इस भयंकर बीमारी के बारे में भी समझने लगे कि क्या हमें रखना है। लेकिन फिर भी इनको जागरूक करते रहो, समझाते रहो, लेकिन किसी को पैनिक नहीं करना है कि अपने कारण से किसी प्रकार का किसी से गलत व्यवहार या किसी को जबरदस्ती कार्रवाई करनी। अपने को कोई कार्रवाई भी नहीं बढ़ानी है कि साहब एमवी एक्ट के अंदर कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये नहीं। हाँ, आपका कहना नहीं मान रहा है, वो अभी घुमाया फिर घंटे भर बाद आपको दिख रहा है बार बार घूम रहा है, तो उसको बुलाकर उसके घरवालों को बुला लो कि ये बच्चा आपका बार बार घूम रहा है, उनको समझाए इसको कि क्यों बार बार घूम रहा है, जब इतना सब कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम समाज के लिए। तो अपना फायदा तभी है जब अपना अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से लोगों को समझाएंगे। तो ये सारा अब आप लोग समझ गए, आवश्यक सेवाओं का जो आपको लगे कि यार ये बहुत जरूरी है, उनको जाने दें। ड्यूटी आपकी शिफ्ट में रखेंगे, दिन में सुबह के टाइम में 6 बजे 7 बजे जब भी आप लगाते हैं 6-6 घंटे की ड्यूटी बांट दें, उस समय आपको एक बार थोड़ा ज्यादा चाहिए, एक शाम को चाहिए, ठीक है ना, और रात को आपको थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन नाके भी प्रॉपर रखें, और अनावश्यक कोई घूमता हो उसको टोके, आप घर जाए, अनावश्यक नहीं घूमें, और मास्क रखें, उनको बताए साबुन से हाथ धोए, जो भी है वो चीज रखें, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज्यादा अपने कारण से और अपने कोई फिर जनता में छवि गलत चली जाए, या अपने कारण से कल को मान लो कोई मार्केट वाले बंद कर देंगे, साहब हम तो सब्जी नहीं बेचेंगे, बेचे पुलिस तो कहां से बेचे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है जो व्यापारी कर रहा है वो अपने लिए भी है, पेट अपने भी है, शाम को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना भी चाहिए, तो लाएगा वो कहीं से तो लाएगा, गंगानगर से लाएगा या कहीं से भी लाएगा, तो उसको इतना आने जाने की जो छूट है वो सरकार ने दे रखी है। बार बार आपके उच्च अधिकारियों को मैसेज आ रहे हैं, उनको पढ़ो, आपका भी थाने का ग्रुप है, जैसे मैं अधिकारियों से डालता हूं तो आप भी अपने ग्रुप में डालो, थाने के ग्रुप में डाल दो फटाफट, ये जागरूक होना, उसको चेक करते रहो, ठीक है ना। तो ये चीज है, सावधानी बरतो, लेकिन सही तरीके से ड्यूटी दो, और आप अपना खुद का भी ख्याल रखें पूरा, ठीक है ना, ठीक। अरे सब सभी निर्देश आ रहे हैं, हाँ वो जैसे आए।